जीएसटी फ्री सेवाओं की बात करें तो ये लिस्ट काफी लंबी है। हाँ तो आज फिर जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप रजिस्टर्ड डीलर कहलाते हैं। इनको टर्नओवर लिमिट की परवाह किए बिना ही जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। फिर बिजनेस करना है तो जीएसटी के बारे में पूरी जानकारी तो होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये सोचना गलत ही होगा कि जीएसटी तो हमारा जीएसटी एक्सपर्ट देख लेगा, क्योंकि बाद में कुछ गड़बड़ हुई ना तो झेलना तो हमें ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, आज किसी भी बिजनेसमैन के लिए जीएसटी का ज्ञान उतना ही जरूरी है जितना उसका बिजनेस मॉडल। हाँ तो आज फिर जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर, नए भारत का नया टैक्स सिस्टम जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, डबल टैक्सेशन की समस्या का समाधान करना, जिसमें बहुत सारे अप्रत्यक्ष करों को हटाकर ये नया टैक्स लाया गया जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता था। इससे देश वन नेशन वन टैक्स के विजन को पूरा करने में एक कदम और आगे बढ़ गया। जीएसटी को 3 हिस्सों में बांटा गया है, सेंट्रल जीएसटी यानी कि सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी यानी कि एसजीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि आईजीएसटी। जब एक ही राज्य के अंदर गुड्स या सर्विसेज बेची जाती हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं, और जब एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स या सर्विसेज बेची जाती हैं तो आईजीएसटी लगती है। जीएसटी में एचएसएन कोड यानी कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड और सेक कोड यानी कि सर्विसेज अकाउंटिंग कोड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर सही जीएसटी रेट को डिसाइड करने के काम आते हैं। जीएसटी में ये दरें 0%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28% तक होती है। जरूरी सामान जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स और दवाइयों पर कम रेट से जीएसटी लगाया जाता है, जबकि लग्जरी प्रोडक्ट पर लगने वाली जीएसटी की दरें ज्यादा होती हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, इसलिए इन पर अभी भी वैट लगता है जो पहले की तरह ही राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। ये अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? भारत में सरकारें दो प्रकार के टैक्स लगाती है। पहला है प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स, जिसमें आता है इनकम टैक्स, जिसे सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की होने वाली कमाई पर लगाया जाता है और उसी से वसूला जाता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें आता है हमारा जीएसटी। इसे गुड्स और सर्विस की बिक्री पर लगाया जाता है, जिसे इन गुड्स और सर्विसेज के अंतिम उपभोक्ता को बेचने वाले व्यापारी को चुकाना होता है, और सरकारें इसे अंतिम उपभोक्ता से न वसूल कर व्यापारियों से वसूलती। जीएसटी में सब कुछ ही कवर है या इसमें किसी प्रकार के व्यापारियों, गुड्स या सर्विसेज को छूट भी मिलती है? व्यापारियों की बात करें तो ऐसे व्यापारी जिनका सालाना कारोबार अपने ही राज्य में थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, या ऐसे व्यापारी जो कर मुक्त गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं, या ऐसे व्यापारी जिनकी सेल रिवर्स चार्ज में आती है, या ऐसे व्यापारी जो गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, को जीएसटी से पूरी छूट दी गई है। इसके अलावा छोटे व्यापारी जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं, जिसमें उन्हें अपने टर्नओवर पर फ्लैट 1% से लेकर 6% तक की रेट से जीएसटी का भुगतान करना होता है। अगर जीएसटी फ्री सेवाओं की बात करें तो ये लिस्ट काफी लंबी है। इसमें मुख्यतः कृषि संबंधित सेवाएं जैसे कटाई, पैकेजिंग, गोदाम, खेती, मशीनरी का किराया, ट्रांसपोर्टेशन और खेतों की मजदूरी शामिल है। अगर जीएसटी फ्री गुड्स की बात करें तो कुछ प्रकार के फूड प्रोडक्ट जैसे आलू प्याज जैसी ताजा और सूखी सब्जियां, मछली अंडा ताजा दूध, चावल गेहूं मक्का, अनप्रोसेस्ड अंगूर तरबूज अदरक लहसुन, कच्ची कॉफी बीन्स, हरी चाय की पत्तियां, मानव रक्त, कच्चा जूट, खादी फाइबर, चौक और स्लेट आदि इसमें शामिल है। कुछ प्रकार की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे मिड डे मील, पशु चिकित्सा क्लिनिक, कुछ प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा, मीटर टैक्सी, मेट्रो, धार्मिक समारोहों से संबंधित सेवाएं, खेल संगठन, टूर गाइड और लाइब्रेरी भी जीएसटी से मुक्त हैं। ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब गुड्स बेचने पर 40 लाख रुपए और सर्विसेज बेचने पर 20 लाख रुपए है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट राज्य, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे खास राज्यों में बिजनेस चलाने वालों के लिए ये सीमा गुड्स के लिए 20 लाख रुपए है और सर्विसेज के लिए 10 लाख रुपए है। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यापारी का एक फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो उसे अनिवार्य रूप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। सही पकड़े हैं गुरु, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी व्यापारी को थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना चाहिए और अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप रजिस्टर्ड डीलर कहलाते हैं, जिसकी वजह से आपके ग्राहकों का विश्वास आपके
बिजनेस पर बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने गुड्स या सर्विसेज को दूसरे राज्य में भी बेचते हो तो ट्रेस होल्ड लिमिट लागू नहीं होती और आपको ट्रेस होल्ड लिमिट से कम टर्नओवर होने पर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। समझ तो गया, पर ये कैसे डिसाइड होता है कि कोई व्यापारी छोटा है या बड़ा? जिन व्यापारियों का टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में वस्तुओं से 1.5 करोड़ रुपए या सेवाओं से 50 लाख रुपए है, उन्हें जीएसटी में छोटे व्यापारियों की संज्ञा दी जाती है। पर ये रिवर्स चार्ज क्या होता है? इसे जीएसटी में आरसीएम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ जीएसटी का भुगतान विक्रेता की बजाय खरीदार को करना होता है। आमतौर पर एक विक्रेता अपने ग्राहकों से जीएसटी इकट्ठा करता है और इसे सरकार को जमा कराता है, लेकिन रिवर्स चार्ज में ये लायबिलिटी उल्टी हो जाती है। सरकार ने उन चीजों की एक सूची भी जारी की हुई है जिन पर रिवर्स चार्जेस लागू होता है। रिवर्स चार्ज को लागू करने का मुख्य कारण है सभी लेन देनों को जीएसटी के दायरे में लाना। ये सिस्टम विशेष रूप से उन परिस्थितियों में लागू होता है जहां एक अनरजिस्टर्ड डीलर एक रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स और सर्विसेज बेचता है। रिवर्स चार्ज की वजह से ही कई बार रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदने से बचते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ट्रेड लाइसेंस, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन या प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत होती है क्या? सभी जगह पर नहीं, पर कुछ राज्यों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए इनकी जरूरत पड़ सकती है। जैसे मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ट्रेड लाइसेंस देना पड़ सकता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लेना पड़ सकता है, और कर्नाटक, असम, जम्मू कश्मीर और गुजरात में प्रोफेशनल टैक्स लेना पड़ सकता है अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। यार मैंने सुना है कि ई कॉमर्स बिजनेस करने वालों के लिए जीएसटी में कुछ स्पेशल प्रोविजन भी है। सही सुना है भाई, लेकिन इसमें दो टर्म्स को समझना सबसे पहले जरूरी है। पहली टर्म है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये वो लोग होते हैं जो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दूसरों के गुड्स और सर्विसेज बेचने का प्लेटफॉर्म देते हैं, जैसे अमेजन, उबर, ओला, अर्बन क्लैब। और दूसरी टर्म है ई कॉमर्स सेलर्स। ये वो लोग होते हैं जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के प्लेटफॉर्म पर अपनी गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं। हर प्रकार के ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और जो ई कॉमर्स सेलर्स गुड्स सेल करते हैं उनको ट्रेस होल्ड लिमिट की छूट नहीं होती। इनको टर्नओवर लिमिट की परवाह किए बिना ही जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। वो ई कॉमर्स सेलर जो उबर, ओला, गो आईबीबो, मेक माई ट्रिप, अर्बन क्लब जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के प्लेटफॉर्म पर सर्विसेज बेचते हैं, उन्हें ट्रेस होल्ड लिमिट पार कर जाने के बाद भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि इनका जीएसटी रिवर्स चार्ज के तहत ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही चुकाना होता है। अगर मैं खुद की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से खुद के ही प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचता हूँ तो क्या होगा? अगर ऐसा है तो जीएसटी के लिए आप ना तो ई कॉमर्स सेलर होंगे और ना ही ई कॉमर्स ऑपरेटर। आप पर फिर जीएसटी के नॉर्मल प्रोविजन ही लागू होंगे। मैंने सुना है कि जीएसटी में रिफंड भी मिलता है। हाँ, कभी कभी व्यापारी गलती से ज्यादा जीएसटी चुका देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि व्यापारियों को अपने इनपुट पर अधिक जीएसटी चुकाना पड़ता है जबकि उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज की बिक्री पर कम दर से जीएसटी लगता है। तो ऐसे में वो व्यापारी अतिरिक्त चुकाए गए जीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकता है। इसके अलावा जो व्यापारी अपने माल का निर्यात करते हैं उन्हें भी इनपुट पर चुकाए गए जीएसटी का रिफंड क्लेम करने का अधिकार होता है। और ये ईवे बिल का क्या चक्कर है? अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का माल किसी गाड़ी से ले जा रहे हो तो आपको ईवे बिल बनाना जरूरी है। ईवे बिल जीएसटी पोर्टल से बनाया जा सकता है, चाहे आप जीएसटी में रजिस्टर हो या ना हो। अगर माल की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है तो ये ईवे बिल जरूरी है। अगर आपके पास ये बिल नहीं है तो आपको कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर आपका माल और गाड़ी दोनों जब्त हो सकते हैं। और जीएसटी में कौन कौन सी रिटर्न्स कब कब फाइल करनी होती हैं? रेगुलर डीलर्स को 3 तरह के जीएसटी रिटर्न भरने होते हैं, सेल्स रिटर्न, मंथली रिटर्न और ईयरली रिटर्न। जिनकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उन्हें हर महीने GSTR 1 और GSTR 3 भी भरना होता है। GSTR 1 में हर महीने की 11 तारीख से पहले सेल्स का रिकॉर्ड देना होता है और हर महीने की 20 तारीख तक GST 3 भी में टैक्स का भुगतान करना होता है। जिनका ईयरली टर्नओवर 5 करोड़ तक है उन्हें GSTR 1 हर 3 महीने के खत्म होने पर अगले महीने की 13 तारीख से पहले भरना होता है, लेकिन GSTR 3 भी हर महीने भरना। इसके अलावा
सभी जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर को एक ईयरली रिटर्न जीएसटीआर 9 में फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 31 दिसंबर तक भरनी होती है। जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है या जिन्होंने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया है, उन्हें जीएसटीआर 10 भी भरना होता है, जो एक प्रकार से अंतिम रिटर्न होती है। कंपोजिशन डीलर को हर 3 महीने की समाप्ति पर अगले महीने की 18 तारीख से पहले फॉर्म CMP 8 में चालान के साथ टैक्स का भुगतान करना होता है। इनको एक ईयरली रिटर्न भी जीएसटीआर 4 में 30 अप्रैल से पहले भरनी होती है। कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड डीलर को विस्तृत तौर पर लेखा जोखा रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये राज्य के बाहर सामान भी नहीं बेच सकते और किसी भी प्रकार का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकते और ना ही ग्राहक से किसी भी प्रकार का जीएसटी वसूल सकते हैं। इनके लिए जीएसटी की रेट्स अलग अलग होती हैं। मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, रेस्टोरेंट्स के लिए 5% और सर्विस प्रोवाइडर के लिए 6%। जो लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पर बिक्री करते हैं, उन्हें हर महीने 10 तारीख से पहले जीएसटीआर 8 भरना होता है। अगर मुझे कंपोजिशन डीलर से रेगुलर डीलर में कन्वर्ट होना है तो क्या करना होगा? तो तुझे जीएसटी पोर्टल पर एक सिंपल फॉर्म CMP 4 फाइल करना होगा। इस फॉर्म के माध्यम से आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलने की सूचना गवर्नमेंट को देते हो। अगर तुझे कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में ट्रांजिशन करते समय इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC भी लेना है तो फॉर्म ITC 1 भी भरना होगा। और अगर फिर से मुझे रेगुलर डीलर से कंपोजिशन डीलर में कन्वर्ट होना है तो क्या करना होगा? तो तुझे जीएसटी पोर्टल पर CMP 2 फॉर्म फाइल करना होगा। ये फॉर्म आपको उस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में फाइल करना होता है जिसमें आप कंपोजिशन स्कीम के तहत आना चाहते हो। इसके अलावा आपको ITC 3 फॉर्म भी फाइल करना होगा, जो कि उस इनपुट टैक्स क्रेडिट्स की डिटेल होगी जो आपने रेगुलर स्कीम के तहत लिए थे और जिन्हें कंपोजिशन स्कीम में जाने से पहले रिवर्स करना होगा। ये फॉर्म CMP 2 फाइल करने के बाद 60 दिनों के अंदर फाइल करना होगा। अगर मेरी किसी पीरियड में सेल परचेज हुई ही नहीं तो भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है क्या? तब भी निल रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। निल रिटर्न फाइल करने से सरकार को ये पता चलता है कि किसी डीलर ने उस अवधि में कोई भी टैक्सेबल सेल परचेज नहीं किए। ये जीएसटी रिटर्न टाइम पे फाइल ना करने की पेनल्टी कितनी लगती है? रिटर्न टाइम पे फाइल ना करने की पेनल्टी प्रतिदिन के हिसाब से होती है और ये रिटर्न फाइल करने की तारीख तक लगती रहती है। इसके अलावा गलत या भ्रामक जानकारी देने पर या जानबूझकर कर चोरी करने पर या फर्जी बिलों का इस्तेमाल करने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और कभी कभी तो जेल की सजा भी हो सकती है। जीएसटी में कोई ऑडिट भी होती है क्या? यूनियन बजट 2021 में जीएसटी से CA और CMA जैसे प्रोफेशनल्स द्वारा जीएसटी की ऑडिट की जरूरत को खत्म कर दिया गया, लेकिन जीएसटी के कमिश्नर किसी भी जीएसटी डीलर का ऑडिट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ये इंश्योर करना है कि व्यापार की जानकारी, चुकाया हुआ टैक्स, क्लेम किया गया रिफंड और लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट सही है या नहीं। इसमें डीलर के रिकॉर्ड, रिटर्न्स और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है। इसलिए व्यापारी को एक मजबूत अकाउंटिंग सिस्टम भी बनाना होता है। अकाउंटिंग सिस्टम ये कैसे बनेगा वो अपन नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे।